जबानी कलमा हर कोई पढ़ता है, ते दिल दा पढ़ता कोई हो, दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, ते की जाने यार गलोई हो, जिथे कलमा दिल दा पढ़ी वे उथे जीबे मिले ना कोई हो। कलमा पीर पढ़ाए बाहु, कलमा पीर पढ़ाए बाहु, मैं सदा बिन पानी नलका चलता नहीं, बिन पानी नलका चलता नहीं, बिन तेल के दीवा बलदा बिन पीर दे कलमा चलता नहीं। पढ़ला इलाहा इल्लल्ला ओला इलाहा इल्लल्ला। अगर जोक बन गया हूं तुसी पढ़ना, मैं चुप कर रहा। ला अल्लाह ने फरमाया सज्जे पासे बरकत होंदी है, ते सज्जे बेलियां दी आवाज़ मैनूं सब तों ज़्यादा आ रही है। हकीकत गल कर रहा हूं, ऐ सज्जे बेलियां वास्ते शेर है, सुन लो। मेरे पीर दी आदत नूरी, सुभान अल्लाह, भी सज्जे पासे बहुती आई है। फिर सुनो, मेरे पीर दी आदत नूरी, मेरे पीर दी आदत नूरी है, कोल बैठे अकुर्ब ओती रब अगे मंजूरी। पढ़ो
हुन पीर दी शान ते मैनू इन्नी आदत असर हो सकती, लेकिन जिदी पीर औलाद ने मापिया का जिक्र करिए ते पुत्र बोधे खुश होंगे। सुनो, ए कलमा हुसैन बचाया है, ए कलमा हुसैन बचाया है, सारा कुन बाप कुहाया है, नाल सानू खुद फरमाया है, पढ़ो ना इल्लल्लाह मुहम्मद सरवर सल्ले अला, पढ़ो ला किता राजी। सरकार मानते ने आना सैयदु वुल्दी आदमा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना अव कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवर मंद ने मैं औलाद आदम का सरदार हाँ, तो मेरे नवासे हसनैन करीम हैं जिनती जवाना के सरदार ने आपने किया की सुनो, किता राजी हुसैन ने नाने नो, किता राजी हुसैन ने नाने नो, दस्या सारे जमाने नो की के तुसी छड़ना ना इस घराने नो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला शेर बहुत ज्यादा ने यह आखिरी शेर। अच्छा बाबा जी जोर की आदत से तुम पता है आप फरमाते सन जी की महफिल हो महफिल वाले का जिक्र करो क्योंकि महफिल वाला महफिल मौजूद होंगे अच्छा ये सरकार की हदीस भी है मुझे मैं तिबरानी का हवाला दे रहा बैकी शरीफ का हवाला दे रहा दारा कुतनी का हवाला दे रहा दारमी शरीफ का हवाला दे रहा एक कुत्ते ब्याह हदीस ने सरकार मुख्तलिफ सहाबत रवायत ने नबी पाक सल्लम फरमाते ने जिथे मेरा दिल नाल जिक्र हो रहा हो मैं उन्होंने जिक्र सुनना भी हाँ जवाब भी देना वा तो मौजूद भी होना ताई तो ऐसा फरमाते ने साडा तो सोच हर वेले लगा होंदा ऐसा ताई फरमाया ना वो तो वेखण वाले सन ना लो फिर अपने पीर की शान सुनो एक सन्यासी आया कहन लगा हुजूर तुहाडे दरबार से लंगर चलता है मैं बूटिया नाल सोना बनाने का तरीका दस दिना वा कोई जड़ियाँ बूटियां इस्तेमाल करके सोना बना लो तुहाडे बेली लंगर खा लेंगे तुहाडे कोल पैसा आ जाएगा आन फरमाया चुप कर जा मैं एक बार या रसूल अल्लाह कहां अल्लाह पूरी जिंदगी के दाने दे दिंदा अल्लाह या रसूल या अली जारी रहेगा। अच्छा बेलिया मेरे को रहा नहीं जा रहा नारे तो बाद हजूर मियाँ साहब का एक मुरीद से जिंदा नाम से हफजिया ही नमाज नहीं पढ़ता इन्हों के अबू हजूर मियाँ साहब भुल गए शान अपने साहब की दसनी है वह किमें दसनी सुन लो वह गए गया कह लगा हजूर मेरा पुत्र नमाजा नहीं पढ़ता आन फिर मैं बेली में लिया नहीं शरकपुर शरीफ कोई हिसाब किताब कर लें लै गया तो मियाँ साहब ने फरमाया कि जोर की नमाज पढ़ के लंगर खा के मिलने आप हफजिया ही असा मियाँ साहब के कोल आए फरमाते ने हफ जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते उस मियाँ साहब का वाक्य तो हफ साहब कह लगे हजूर दिल ही नहीं लगता हफ साहब बड़े सीधे सन आपने एक बार जमीन वाल वेख्या आप एक बार आसमान वाल वेख्या आन फरमाया
बेलिया आप जी लै जाओ आप जी नमाज नहीं छड़िया कर हफ साहब वाले एक नज़र मारी फरमाते ने नमाज नहीं छड़न तो हफ साहब जिस वे हदीसे दिलबरा एक किताब है वह वाकया एवं मौजूद है आपने फरमाया हफ साहब जिनी देर तक जिंदा रहने ईशा की नमाज तो बाद नफल नींद लेंदे सन कुरान पाक शुरू करते सन फजर वेले वन्नास तक पढ़िया हुंदा सी ते नफल भी पढ़ लेंदे सन और अल्लाह के वली गुजरे ने फिर हफ साहब यानी एवें आप दे मामला सन ते मेरे हफ साहब आप फरमाते ने मैं मियाँ साहब के दरबार से गया मिठिया चौलों का एक लुकमा खाधा अल्लाह ने क्यामत क्यामत का मैं दावा नहीं करता रब करीम ने मेरे को लुकाए ही कुछ नहीं यह शान है मेरे पीर जी बहरहाल मैं गल करता सर कि हरसा पाक बाबा जी और सरकार फरमाते ने कि जिदा जिक्र हो महफिल च मौजूद हूँ शेर सुनो ईमान ताज़ा करो महफिल दा रंग निराला है हर पास नूर उजाला है महफिल दा रंग निराला है हर पास नूर उजाला है क्यों इत्थे आया कमली वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह आखिर टाइम जाहिर है काफी हो चुके हैं ते आखिर ते बाबा जी हुजूर दी मनकबत दे दो शेर आप दौर से ते मेरे ते गले च पट्टा भी बाबा जी हुजूर दा मैं दो शेर जरूर पढ़ांगा।